नमस्कार, मैं प्रिया। आज 31 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अहम सूचना। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे YouTube चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज्ञात हो, हमारे चैनल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों। बिहार के शहरी गरीबों के सिर पर अब होगी छाती। बिहार में बढ़ी सरपंच की जिम्मेदारी, तो वहीं मुखिया का घटेगा कर। बिहार में जल्द बनेगी नई खेल नीति। सरकार जल्द ही शुरू करेगी 1.5 लाख नर्सरी का। बिहार में रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को सौंपी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पोस्टल सर्कल ने निकाली रिक्तियां। उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल ने ग्रामीण डाक सेवक के कुल मिलाकर 4,264 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 22 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान और मीटर रीडिंग की प्रक्रिया में हुआ बदलाव। बिहार के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग ने राहत की खबर साझा की है, जिसके तहत खराब सर्वर के ठीक होने के साथ ही बिजली बिल लोगों तक पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है, जिसके तहत बिजली कंपनी IT सेल के आश्वासन के बाद 1 सितंबर से मीटर रीडिंग करवाने की तैयारी में है, लेकिन सर्वर पूर्ण रूप से दुरुस्त नहीं हो सका है। हालांकि पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि विद्युत कंपनी के निर्देश के आते ही मीटर रीडिंग का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं पर विलंब से जमा करने पर लगने वाला दंड नहीं लगेगा, छूट का लाभ भी मिलेगा। सरपंच की जिम्मेदारी, तो वहीं मुखिया का घटेगा कद। बिहार में अगले 5 साल के लिए पंचायत सरकार के गठन को लेकर के कवायद शुरू हो गई है। इस बीच पंचायती राज विभाग ने नए सिरे से मुखिया और सरपंच के दायित्वों का निर्धारण कर दिया है, जिसके तहत मुखियाओं को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनके जिम्मे योजनाओं के लिए मिलने वाली पंजी की निगरानी का काम भी होगा। इसके साथ ही सरपंच गांव में सड़कों के रखरखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इसके साथ ही मुखिया को अपने कार्यक्षेत्र में 1 वर्ष से कम 4 बैठक आयोजित करनी होगी। वहीं इनके पास ग्रामीण पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाने के साथ साथ प्रस्तावों को लागू करने की जवाबदेही भी होगी। बिहार में जमीन के झगड़ों को अलग अंदाज में निपटाएगी सरकार। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद आए दिन सुनने में आ जाते हैं, जिसके कारण कई लोगों की जानें भी अब तक जा चुकी है। इन सब के बीच बिहार सरकार ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों की पहचान के लिए यूनिक कोड बनाने का फैसला लिया है। इस बाबत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि यूनिक कोड बनने के बाद भूमि विवाद से जुड़े मामलों की पहचान करने में आसानी होगी। मामलों की प्रकृति के अनुसार यूनिक कोड दर्ज किए जाएंगे। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के साथ बैठक भी हो चुकी है। ज्ञात हो, यूनिक कोड के जरिए यह पता चलेगा कि भूमि विवाद किस स्तर का है। उसमें विवाद के इतिहास के अलावा यह भी चर्चा होगी कि मामला कितना संवेदनशील है। बिहार में रिटायर्ड पुलिस वालों को फिर से मिलेगी नौकरी। बिहार पुलिस में आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी को लेकर एक नई टीम का गठन होने जा रहा है। बड़े आपराधिक मामलों की जांच में सहयोग के लिए बनाए जाने वाली इस टीम में पुलिस मुख्यालय, रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की भर्ती करने की योजना बनाई गई है। ये टीम आपराधिक मामलों के इन्वेस्टिगेशन और अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की निगरानी करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जून महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में बिहार पुलिस में इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल के गठन को लेकर स्वीकृति दे दी गई थी, जिसके राज्य मुख्यालय स्तर पर 1 SP, 7 DSP, 13 इंस्पेक्टर, 8 ASI और 11 सिपाही के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 21 कंप्यूटर ऑपरेटर और 8 चालक सिपाही का पद सृजित करने की भी घोषणा की गई। शहरी गरीबों के सिर पर अब होगी छत। बिहार के शहरी गरीबों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब बिहार के शहरी गरीबों के सिर पर छत हो, सरकार यह सुनिश्चित करने वाली है। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने 16 शहरी निकायों में बनने वाले 7,579 आवासीय इकाई के लिए राज्य मद से राशि का आवंटन कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र की पहली किश्त के रूप में 19.53 करोड़ रूपए मिले हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से 1,85,00,000 अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसके बाद अब बिहार में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का काम रफ्तार पकड़ने वाला है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्वेता बसु प्रसाद की। श्वेता बसु प्रसाद ने बॉलीवुड में अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की और अब वो बिहार की एक सफल महिला अभिनेत्री हैं। उनका जन्म 11 जनवरी 1991 को जमशेदपुर बिहार भारत में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड भारत में स्थित है। वो बचपन में ही एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। श्वेता एक बहुमुखी अभिनेत्री हैं और उन्होंने बंगाली के साथ साथ तेलुगु और तमिल सिनेमा उद्योग में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। बिहार से आने के बाद उन्होंने विभिन्न सिनेमा रूपों में बहुत नाम और प्रसिद्धि अर्जित की। वो बिहार की सबसे खूबसूरत बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक है। अब जदयू में नेताओं और कार्यकर्ताओं का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। जदयू भले ही सत्ता में है, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आए परिणाम से एक बात तो तय है कि जनता का भरोसा नीतीश सरकार की पार्टी से डोला है। यही कारण है कि पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए जदयू दिन रात काम में लगी हुई है। इसी बीच अब बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू एक नया प्रोग्राम करने जा रही है, जिसके तहत संगठन से जुड़े नेताओं कार्यकर्ताओं को हर महीने मूल्यांकन करवाया जाएगा। मूल्यांकन में फेल होने पर जिम्मेदारी से मुक्ति भी दी जा सकती है। जदयू नेतृत्व की तरफ से यह व्यवस्था प्रयोग में लाने की तैयारी की जा रही है। अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के स्तर पर समीक्षा होगी। जिनका परफॉर्मेंस खराब होगा उनकी छुट्टी और जिनका प्रदर्शन बेहतर होगा उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। इसको लेकर जदयू की तरफ से मूल्यांकन ऐप लॉन्च किया जा रहा है। 1 सितंबर तक बारिश होगा कम सक्रिय। बिहारवासियों को आने वाले 2 दिनों में बारिश से थोड़ी राहत मिलने वाली है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग ने सूबे के मौसमी हालातों पर पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत उत्तर बिहार के कई जिलों में 1 सितंबर तक बारिश की सक्रियता कम देखने को मिल रही है। इस दौरान 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली जिले में पछुआ हवा, अन्य जिलों में पूर्वा हवा चलने की संभावना जताई गई है। वहीं अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। बिहार में जल्द बनेगी नई खेल नीति। बिहार में जल्द ही नई खेल नीति बनने वाली है, क्योंकि अब तक बिहार के कई खिलाड़ियों ने मेडल तो जीता है, लेकिन अब इन खिलाड़ियों को मेडल जीतने लायक बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर जिले के हिसाब से प्रमुख खेल का चयन किया जाएगा। अगर कोई जिला किसी खेल में बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है तो वहां उससे जुड़ी आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था की जाएगी, जिसकी पुष्टि खेल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने की है। इस बाबत मंत्री ने कहा कि खेल की आधुनिक शिक्षा के लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अब बाहर नहीं जाना होगा। बिहार देश का 6ठा राज्य है जहां खेल विद्यालय की स्थापना हो रही है। इसके अलावा राजगीर में 740 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल एकेडमी भी बनाई जा रही है। सरकार जल्द ही शुरू करेगी 1.5 लाख नर्सरी क्लास। बिहार में सरकार जल्द ही छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए डिजिटल नर्सरी क्लास को खोलने की कवायद करने जा रही है। सरकारी जानकारों की माने तो बिहार में स्कूली शिक्षा से पहले 6 साल तक के बच्चों को बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। शिक्षा विभाग ने इस बाबत काम शुरू कर दिया है। सरकारी विद्यालय में करीब संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची बनाई जा रही है। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में ई लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना पर अमल होगा। शिक्षकों के एकेडमिक सपोर्ट से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। आपको बता दें, योजना के मुताबिक बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम और स्मार्ट क्लास तैयार होंगे। सबसे खास बात यह है कि म्यूजिक रूम और डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। शैक्षणिक सामग्री, खिलौने भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजधानी पटना में लगेगा मेगा वैक्सीनेशन कैंप। आज बिहार की राजधानी पटना में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन होने वाला है, जिससे जिले में टीकाकरण अभियान को गति मिलेगी। इसे सफल बनाने के लिए पटना डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान के जरिए पटना जिला प्रशासन ने 2.50 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इसको सफल बनाने के लिए तैयारियां भी पुख्ता की जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों तक को लगाया जाएगा। यही कारण था कि बीते दिन सोमवार को जिले में सभी सेंटरों पर वैक्सीनेशन का काम बंद रहा। किसी भी सेंटर पर बीते दिन वैक्सीन नहीं लगाई गई और टीका एक्सप्रेस भी नहीं चलाई गई। इस बाबत सेशन साइट का चयन, टीम का गठन, टीम का टैगिंग, मोबिलाइजेशन, सेशन साइट पर प्रतिनियुक्त कर्मियों की समय पर उपस्थिति, वैक्सीनेशन और डेटा एंट्री की फुल प्रूफ व्यवस्था भी देखी गई। वैशाली के आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह संग्रहालय 1971 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें खुदाई के दौरान पाई जाने वाली पुरावशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। यहां कई शानदार मुकुट, हार, गहने आदि को प्रदर्शित किया गया है। यहां भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की बिना सिर की प्रतिमा लगाई हुई है। इन सामानों के अलावा इस संग्रहालय में गांव के लोगों के द्वारा आजादी से पहले का दिया सामान भी प्रदर्शन के लिए रखा गया है। यहां भगवान विष्णु की मूर्ति, उमाशंकर की मूर्ति आदि को भी रखा
रखा गया है। इस संग्रहालय में मध्यकालीन युग का काफी सामान रखा हुआ है। संग्रहालय में 2000 पुरावशेष रखे हुए हैं। यहाँ गुप्त काल, मयूर काल और कुहुंस काल के दौरान का भी काफी सामान रखा गया है। बिजली संयंत्रों में कोयले की निगरानी के लिए होगा टीम का गठन। केंद्रीय विद्युत सचिव आलोक कुमार ने कुछ विद्युत संयंत्रों में कोयले के कम भंडार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और कोयला मंत्रालय के साथ बीते दिन बैठक की थी। बैठक में बिहार में कोयले की कमी न हो, इसको लेकर कोयले की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित करवाने को लेकर कोर मैनेजमेंट टीम का गठन कर दिया गया है। यह टीम कोयले की आपूर्ति की दैनिक निगरानी करेगी। इसमें एमओपी, सीईए और कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही आयोजित बैठक में बताया गया कि जिन विद्युत संयंत्रों के पास कोयले का भंडार 14 दिन की आवश्यकता से अधिक का है, वहां इसे अगले 7 दिनों के लिए और किया जाएगा। बिहार में डोर टू डोर पशु चिकित्सा के लिए की जाएगी डॉक्टरों की नियुक्ति। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने बीते दिन पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पशुपालन और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास को बनाए जाने वाली योजना में वित्तीय अड़चन नहीं आएगी, जिसके बाद नए भवन का निर्माण जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत डोर टू डोर पशु चिकित्सा की सेवा दी जाएगी। जल्द ही इस बाबत पशु चिकित्सकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। पशुओं के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भी की जाएगी। इसके अलावा बीते दिन मुकेश सहनी ने ऑनलाइन पठन पाठन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई शिक्षकों को भी सम्मानित किया। प्रभावित बिहारी छात्र को इंजीनियरिंग की पढ़ाई इस कॉलेज में मिलेगी मुफ्त। बिहार के छात्रों के लिए अहम सूचना। अगर बिहार से निकला कोई भी छात्र जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है और इसके योग्य है, तो वो दिल्ली के इस कॉलेज में मुफ्त में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है और यह प्रयास है आरडी कॉलेज दिल्ली का। इस बाबत आरडी कॉलेज दिल्ली के इस बड़े निर्णय के लिए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने काफी प्रयास किया था, जो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कॉलेज की तरफ से किए जा रहे प्रयास के तहत कोरोना से प्रभावित स्टूडेंट 4 साल तक मुफ्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाएगी और न ही हॉस्पिटल और किताबों का पैसा लिया जाएगा। सब कुछ पूरी तरह से माफ होगा। नामांकन के लिए 1 सितंबर से करें रजिस्ट्रेशन। हाल ही में बीएड परीक्षा के परिणाम की घोषणा की गई है, जिसके बाद अब नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख भी जारी कर दी गई, जिसके तहत अब चयनित उम्मीदवार राज्य के सभी निजी और सरकारी कॉलेज के लिए नामांकन बुधवार से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए साथ ही साथ नामांकन के लिए कॉलेज का चयन भी कर सकेंगे, जो कि 12 सितंबर तक ऑनलाइन रूप से जारी रहेगी, जिसके तहत ही प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.bihar-cetbed-lnmu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। साथ ही साथ यहां से ऑनलाइन काउंसलिंग और महाविद्यालय में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे। वहीं 19 से 25 सितंबर तक अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज में नामांकन के लिए स्वीकृति देंगे। गिरफ्तार अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार ने मुंह खोलने पर बवाल होने की कही बात। हाल ही में दरभंगा के अभियंता अनिल कुमार को 67 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ जारी है। हालांकि इस मामले पर अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुंह खोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। उनके इस बयान को सुनकर सभी चौंके। हालांकि इसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, जिसको लेकर उन्होंने यह तर्क दिया कि वो इस मानसिक स्थिति में नहीं है कि बयान दे सके। इस दौरान टीम लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन इंजीनियर इनकार कर रहे हैं। ने भी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग। हाल ही में बिहार में जदयू और भाजपा की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को उठाया गया। वहीं अब लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी कमेटी की मांग कर दी है। इस बाबत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी ही चाहिए। पहले भी यह कमेटी थी, इस पर एनडीए का जो भी फैसला होगा उसे हमारी पार्टी मानेगी। जातीय जनगणना पर भी मेरा यही कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय कमेटी के लोग मिले थे। एनडीए की तरफ से जो भी निर्णय होगा उस पर हमारी यानी कि लोजपा पार्टी भी तैयार है। जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे वो सब मानेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल कहे जाने पर भी सफाई दी। जदयू सांसद कौशलेंद्र ने दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव का ऑफर। जहां एक तरफ सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बताकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज है, वहीं इस बीच नालंदा से पार्टी के सांसद कौशलेंद्र ने नीतीश कुमार को एक नया ऑफर दिया है। हालिया जानकारी के अनुसार कौशलेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो लोकसभा चुनाव के लिए मैं अपनी संसदीय सीट नालंदा छोड़ने को तैयार हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो सिर्फ तय कर ले कि चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार है या नहीं। उन्हें एक भी दिन चुनाव प्रचार करने के लिए यहां आने की जरूरत नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार पीएम की कुर्सी पर जरूर बैठेंगे।
समाचार धारा पर तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव ने उठाए सवाल। जैसे ही पार्टी की अदला बदली हुई वैसे ही आकाश यादव के सुर भी बदल गए हैं। कल तक राजद की जय जयकार करने वाले तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव लोजपा का दामन थामते ही पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जितने भी लोग छात्रों का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ युवा भी एकजुट होंगे। जो राजद पहले लालू यादव जेपी लोहिया की विचारधारा पर चलती थी आज वहां पर सामंतवादी विचारधारा पर चल रही है। वहीं पटना पहुंचे आकाश यादव ने इस दौरान अपनी वर्तमान पार्टी को मजबूत करने की बात भी कही। कोरोना से नहीं पड़ेगा एग्जाम पर कोई असर। कोरोना के माहौल में छात्र की सुविधा सुरक्षा को देखते हुए सीबीएसई ने परीक्षा को दो हिस्सों में विभाजित किया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के मुताबिक पहली परीक्षा नवंबर दिसंबर 2021 में 4-8 सप्ताह के समय सीमा में आयोजित की जाएगी, वहीं दूसरी परीक्षा मार्च अप्रैल में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षाएं बाहर से आए परीक्षकों और सीबीएसई द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगी। इसके साथ ही देश भर के लोग शहरों और राज्यों में स्कूल फिर से खोलने के बाद सीबीएसई भी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट आधारित पाठ्यक्रम पर विशेष जोर दे रहा है। शिक्षा मंत्रालय और बोर्ड की तरफ से छात्र अपने प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल का सीधा असर छात्रों के वार्षिक मूल्यांकन पर पड़ता है, इसलिए विभिन्न स्कूल भी इस दिशा में काम कर रहा है। आईपीएल पार्ट दो में बनी रहेगी ऋषभ पंत की कप्तानी। आईपीएल 2021 के पार्ट दो का आयोजन जल्द ही यूएई में होने वाला है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। आईपीएल के पहले सीजन में चोट के कारण श्रेयस अय्यर की कप्तानी ऋषभ पंत को दे दी गई थी। हालांकि अब वो ठीक हो गए हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कीड़ा के मुताबिक ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते रहेंगे, जिसकी अगुवाई में इस टीम ने पहले पार्ट में शानदार प्रदर्शन किया था और जब आईपीएल स्थगित किया गया था अंक तालिका में ये टीम पहले नंबर पर थी। हालांकि श्रेयस टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन टीम की कप्तानी ऋषभ पंत के हाथों में ही रहेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। भारत में टू स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल प्रक्षेपण 1968 में किया गया। भारत के उपग्रह INSAT-1B को 1983 में अमेरिका के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से प्रसारित किया गया। इतालवी जनरल गिदो पाम्बरी को 2004 में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक समूह का एक साल के लिए प्रधान सैन्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। जनता दल की राष्ट्रीय परिषद की नई दिल्ली में 2009 को आयोजित सम्मेलन में शरद यादव को पुनः सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता दीप जोशी सहित एशिया की 6 हस्तियों को 2009 में साल 2009 के रमन मैगसेस पुरस्कार से 31 अगस्त को मनीला में सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध कवित्री उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को आज के दिन हुआ था। पद्मश्री में सम्मानित प्रख्यात उर्दू कवि कश्मीरी लाल जाकिर का निधन 31 अगस्त 2016 को हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,880 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,120 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,600 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के दाम 103.99 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.72 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोनिका कुमारी, ओमकार सिंह, अशोक कुमार, निखिल कुमार, नीतीश कुमार, क्वालिफाइड ऑफिशियल, राजेश कुमार, अजय कुमार, अखिलेश यादव, विनोद कुमार, रचना मीना, प्रहलाद कुमार, सुनील कुमार, निशांत रॉय, सऊद आलम, मितेश प्रेमी, संजय मिश्रा, हृदेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मटेरियल है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।